क्या पौधों के पास मस्तिष्क होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हमने यह तो सुना है कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पर यदि उनके पास कोई तंत्रिका यंत्र नहीं है, तो ये दिन या रात को कैसे समझते हैं? चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। पौधे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए रासायनिक साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन जानवरों के विपरीत सूचना के संचालन के लिए पौधों में कोई विशेष ऊतक नहीं होते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर पौधों के पास कोई मांसपेशियां ही नहीं हैं अपना आकार बदलने के लिए, तो यह अपना आकार कैसे बदलते हैं? वीडियो को रोकें और चर्चा करें। पौधों में तंत्रिका तंत्र तो नहीं होता है, लेकिन वे दो प्रकार के संचलन दिखाते हैं, वृद्धि आश्रित और वृद्धि मुक्त। हम अगले वीडियो में इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।